सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल संजू क्रिएशन गाइस। तो आज की स्टूडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इस तरह का स्टाइलिश ग्लास फंड्स। जैसे कि इंटरफेस में देख रहे होंगे इस तरह का आपको जो स्टाइलिश ग्लास फंड्स डीपी एडिटिंग करना सिखाएंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो पर जो है तक बने रहेगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बगल में जो है बेल आइकन घंटी जो है उसको भी जो है ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा गाइस, ताकि हमारे अगले आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं आज की वीडियो की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हमको चले जाना है अपनी पिक्सेल ऐप की ओर, और पिक्सेल ऐप में आ जाने के बाद गाइस यहाँ पर हमको न्यू टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना प्रेस, और प्रेस करने के बाद गाइस टेस्ट जो हमको रिमूव कर लेना है और स्मॉल लेटर में हमको जो है माही टाइप कर लेना, ठीक है। ओके पे कर लेना प्रेस। ओके पे प्रेस करने के बाद गाइस यहाँ पर हमको नीचे में सेकंड नंबर पर ये ए वाला आइकन मिलेगा। सिंपली हमको यहाँ से कर लेना प्रेस, और प्रेस करने के बाद गाइस हमको थोड़ा आगे स्ट्रॉल कर लेना, ठीक है। और आगे स्ट्रॉल करने के बाद हमको यहाँ पर आ जाना पिटिंग वाले ऑप्शन पर। तो लेफ्ट पिटिंग हमको 5 के राउंड कर लेना है, राइट पिटिंग जो हमको 5 के राउंड कर लेना है। राइट पे क्लिक कर लेना है। इतने कर लेने के बाद गाइस हमको थोड़ा आगे स्ट्रॉल कर लेना है, और यहाँ पर आ जाना है हमको यहाँ पर एवी फंड्स वाले ऑप्शन पर। सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और रिसेंट में मैंने यूज़ किया था गाइस, इस फंड का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है जाकर इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस हमको थोड़ा बैक स्ट्रॉल कर लेना है, और आ जाना हमको यहाँ पर साइज वाले ऑप्शन पर, ठीक है। और साइज अपने हिसाब से आप जो है इंक्रीज कर लीजिएगा जितना आपको ठीक लगता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 300 ग्राउंड इसको जो है इंक्रीज करूँगा, राइट पे क्लिक करूँगा, इसको जो है लॉक कर लूँगा, ठीक है। और लॉक करने के बाद गाइस यहाँ पर नीचे में हमको फोर्थ नंबर पर ये वाला आइकन मिलेगा। तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और प्रेस करने के बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर हमको ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना प्रेस, ठीक है। अब प्रेस करने के बाद गाइस हमको ऐसे गैलरी में सेव कर लेना है। तो सिंपली हमको आ जाना है अपने इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस यहाँ पर सेकंड नंबर पर हमको मिल जाएगा सेव एज इमेज का ऑप्शन। तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना प्रेस, और प्रेस करने के बाद गाइस यहाँ पर हमको नीचे में डिफॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना प्रेस, और प्रेस करने के बाद सबसे लास्ट में हमको जो है अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली हमको यहाँ से भी कर लेना है प्रेस, ठीक है। इतना कर लेने के बाद हमको यहाँ से कर लेना है सेव टू गैलरी गाइस। तो ये हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा। तो जैसे कि देख ही सकते हैं ये हमारी गैलरी में ऑलमोस्ट सेव हो चुका है। सिंपली हमको आप पिक्सेल से ले लेना है बैक, ठीक है। और बैक ले लेने के बाद गाइस अपना जो है फोटोशॉप ओपन कर लेना है, और फोटोशॉप ओपन करने के बाद गाइस हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जैसे कि देख ही सकते हो। यहाँ पर हमको नीचे में दो ऑप्शन मिलेंगे गाइस, हमको फर्स्ट वाले आइकन पर कर लेना है प्रेस, और यहाँ से हमको फोटो लाइब्रेरी, ठीक है। अभी नकल लेने के बाद गाइस मैं यहाँ से जो है बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहे तो पिक भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है ब्लैक बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है ब्लैक बैकग्राउंड कोई सा भी एक ले लेना है। आप चाहे तो आप जो है पिक भी जो है सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हमको चलो यही ले लेते हैं, ठीक है। कोई सा भी एक जो है आप पिक चाहे तो पिक भी ले सकते हो, बैकग्राउंड भी चाहे तो बैकग्राउंड भी ले सकते हो, ठीक है। अब इतने कर लेने के बाद गाइस हमको यहाँ पर करने का है, तो हमको यहाँ पर आ जाना है राइट साइड कॉर्नर प्लस वाले आइकन पर। सिंपली हमको यहाँ से कर लेना प्रेस, और यहाँ से हमको फोटो लेयर, और यहाँ से हमको फोटो लाइब्रेरी, ठीक है। अब हमको थोड़ा बैक आ जाना है, ठीक है। और बैक आ जाने के बाद गाइस अपने पिक्सेल वाले फोल्डर पर आ जाना है, और यहाँ से हमने जो ट्रांसपेरेंट किया तो उसको हमको यहाँ से ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से। राइट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। राइट पे क्लिक करने के बाद गाइस हमको यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में हमको प्लस का आइकन मिलेगा। सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और प्रेस करने के बाद गाइस एक हमको यहाँ से जो है इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना प्रेस, उसके बाद हमको ऐसे कर लेना है डन, ठीक है। और डन कर लेने के बाद अपना फर्स्ट लेयर से रहकर हमको आ जाना है अपने इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से सिलेक्ट पिक्सल कर लेना, ठीक है। अब सिलेक्ट पिक्सल करने के बाद सेम प्रोसेस हमको फिर से उसी आइकन पर आ जाना है, ठीक है। और इसी आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से देख सकते हो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, ठीक है। अब प्रेस करने के बाद गाइस हमको यहाँ पर फर्स्ट में एक्सपेंड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और -20 के राउंड इसको जो है कर लेना है, राइट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब हमको सेम प्रोसेस फिर से चले जाना है अपने इसी वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद सेम प्रोसेस हमको यहाँ से फिर से ट्रांसफॉर्म कर लेना है, ठीक है। तो इस पहली बार हमको -20 के राउंड के लिए थे, इस बार हमको -15 के राउंड कर लेना, ठीक है। राइट पे क्लिक कर लेना है। अब इतने करने के बाद गाइस हमको अपने आ जाना है इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से इसको कर लेना है एट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ से एट्रैक्ट कर लेना है, उसके बाद अपने नीचे वाला लेयर जो है डिसेबल कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब डिसेबल कर लेने के बाद हमको ऐसे पिक्सल जो है डिसलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पिक्सल डिसलेक्ट करने के बाद गाइस हमको आ जाना है अपने इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर, ठीक है। और इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद गाइस यहाँ पर हमको 6 नंबर पर बेवल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सिंपली हमको यहाँ से कर लेना प्रेस। अब बेवल किस तरह सेटअप करना है आप जो है देख लीजिएगा। तो ब्लर हमको यहाँ से 21 के राउंड करेंगे, ठीक है। राइट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एंगल्स, एंगल हमको यहाँ से फर्स्ट एंगल हमको यहाँ से 180 के राउंड पर ले लेना है, ठीक है। कलर हमारा व्हाइट, और डिस्टेंस हमको यहाँ से 16 के राउंड, राइट पर क्लिक कर लेना। और इधर भी हमको जो है राइट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद एफएक्स पर आ जाना, और यहाँ से बेवल, ठीक है। तो सेकंड बेवल एंगल हमको यहाँ से ले लेना है 45 के राउंड पे, ठीक है। बाकी हमारा ब्लर, ठीक है, और कलर, कलर हमारा वाइट रहेगा, और
एंगल डिस्टेंस भी हमारा वही रहेगा, ठीक है। बस एंगल बस हमको 45 कर लेना, राइट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद गाइस हमको यहाँ पर करना है, तो राइट साइड कॉर्नर में हमको प्लस का आइकन मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना प्रेस, और यहाँ से फोटो लेयर, और यहाँ से फोटो लाइब्रेरी, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद गाइस हमको यहाँ पर करना क्या है, तो हमको यहाँ पर एक टेक्चर एड कर लेने वाले हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है जाकर इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम इसको जो है रोटेट कर लेना है, ठीक है। और रोटेट कर लेने के बाद गाइस सब साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेना, ताकि हमारा सही से सेटअप हो सके, ठीक है। अब यहाँ से इसको जो है राइट पर क्लिक कर लेना है, राइट पर क्लिक करने के बाद जस्ट कॉपी और यहाँ से जस्ट पेस्ट, ठीक है। साइज थोड़ा छोटा कर लेना कुछ इस तरह से, और यहाँ से इसको हमको सेटअप कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो पर जो है एंड तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। कोई भी स्टेप जो है मिस ना करिएगा, बस जैसा जैसा आपका भाई करा वैसे वैसे आपको भी जो है स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो कर लेना है, ठीक है। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करिएगा गाइस, ठीक है, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह का जो है एडिटिंग करने में, ठीक है। तो वीडियो पर जो है एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। इतना कर लेने के बाद फिर से हमको कॉपी और यहाँ से कॉपी और पेस्ट, ठीक है। तो सिंपली हमको कॉपी और पेस्ट करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐड कर लेना, राइट पर क्लिक कर लेना, और जस्ट कॉपी और यहाँ से जस्ट पेस्ट कर लेना, ठीक है। और फिर से हमको यहाँ पर आई वाले आइकन पर हमको फिर से सेलेक्ट कर लेना, कुछ इस तरह से राइट पर क्लिक कर लेना, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद गाइस हमको यहाँ पर सभी को जो है मर्ज कर लेना है। तो मर्ज हमको किस तरह से करना है, अपने आ जाना है इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ पर नीचे में देख सकते हो सेकंड नंबर पर हमको ये वाला आइकन मिलेगा, ठीक है। सिंपली हमको यहाँ से कर लेना प्रेस, और प्रेस करने के बाद गाइस हमको यहाँ से लास्ट में हमको मर्ज डाउन का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली हमको यहाँ से इसको कर लेना है प्रेस, ठीक है। तीन बार कर लेना है, ये हमारा चारों मर्ज डाउन हो जाएगा। डन कर लेना है, ठीक है। और डन कर लेने के बाद गाइस हमको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है, ठीक है। अब जूम कर लेने के बाद गाइस जो हमारा डार्क सर्कल है जैसे ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कर लेना है प्रेस कुछ इस तरह से। अब इतना कर लेने के बाद गाइस हमको यहाँ पर करना है, तो हमको यहाँ पर प्लस मोड लगा लेना है, ठीक है। और प्लस मोड लगा लेने के बाद हमको यहाँ से नीचे से डार्क सर्कल कुछ इस तरह से हमको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। याद रखिएगा डार्क सर्कल हमको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आप जब फिर मिस करोगे कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो भाई आप जो है डार्क सर्कल टच करिएगा, हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हमको सिलेक्ट कर लेना, और इधर भी हमको जो है सिलेक्ट करवा लेना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद जो बचा हुआ उसको हमको यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं कौन सा बचा है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला बचा था, इसको भी हमको सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ से हमको नीचे वाला भी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जितना भी डार्क सर्कल बचेंगे उसको हमको सभी को जो है सिलेक्ट कर लेना है गाइस, ठीक है। कोई सा भी हमको डार्क सर्कल नहीं छोड़ना है, ठीक है। और कुछ इस तरह से हम इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और सभी सिलेक्ट हो जाने के बाद गाइस हमको यहाँ पर करने का है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो है वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस हमको आ जाना अपने इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ फर्स्ट में मिल जाएगा कट का ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपली हमको यहाँ से इसको करना है प्रेस, ठीक है। अब प्रेस करने के बाद गाइस हमको यहाँ से इसका जो है पिक्सल हमको डीसिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब बाकी अब जो है बच रहेगा उसको आप जो है देख लीजिएगा। तो ये हमारा कुछ बचे हुए, इसको भी हमको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हमको कुछ इस तरह सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पर भी थोड़ा बचा है, इसको भी हमको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जो जो पार्ट से आपको बचा रहेगा सेकंड बार जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से फिर से हो जाएगा, ठीक है। इतने कर लेने के बाद हमको यहाँ से इस वाले पर भी आ जाना, और यहाँ से इसको, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, कोई भी स्टेप जो मिस ना करिएगा। वीडियो पर जो है एंड तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। जैसा जैसा आपका भाई कर रहा है बस वैसे वैसे आपको भी जो है स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो कर लेना, ठीक है गाइस। और कुछ इस तरह से हमको यहाँ से भी सेटअप कर लेना है, ठीक है। जो जो पार्ट्स बचे हुए उसको हमको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है गाइस, ताकि हमारा दोबारा हमको रिमूव कर ले, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद फिर से हमको यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा फिर से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, इसको भी हमको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके कट कर लेना, तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब ऑलमोस्ट सभी हमारा कट चुका है गाइस, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद गाइस अपना नीचे वाला लेयर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और नीचे वाला लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमको आ जाना फिर से अपने इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद सेलेक्ट पिक्सल कर लेना है, ठीक है। और सेलेक्ट पिक्सल कर लेने के बाद अपना ऊपर वाला जो है पिक्सल हमको सेलेक्ट कर लेना है, जो हमने टेक्चर एड किए थे वो वाला, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद गाइस हमको यहाँ पर आ जाना अपने इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस सबसे लास्ट में हमको अट्रैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना प्रेस, तो टेक्चर हमारे यहाँ पर कट जाएगा गाइस, ठीक है। अब कट जाने के बाद गाइस हमको यहाँ पर करने का है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को जो है मर्ज कर लेना है, ठीक है। अब मर्ज करने के लिए हमको आ जाना है अपने इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से इसको कर लेना है मर्ज डाउन, ठीक है। अब यहाँ से हमको कर लेना है डन। अब डन कर लेने के बाद गाइस हमको यहाँ से पिक्सल जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद गाइस हमको यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर प्लस वाले आइकन पर आ जाना है, ठीक है। और प्लस वाले आइकन पर आ जाने के बाद एक हमको इंपैक्ट लेयर मिलेगा, ठीक है, सेकंड नंबर। सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, और यहाँ से कर लेना है डन, ठीक है। अब डन कर लेने के बाद गाइस हमको यहाँ पर करने का है, तो सिंपली हमको आ जाना अपने इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से फिल स्टॉक, ठीक है। फिल स्टॉक हमको कैसे लगाना है आप जो है देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको आ जाना अपने
टाइप वाले ऑप्शन पर, ठीक है। और टाइप वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद सेकंड नंबर पर हमको स्टॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, ठीक है। प्रेस करने के बाद स्टॉक विथ पर आ जाना और यहाँ से पिक्सल हमको 15 के अराउंड कर लेना है, राइट पे क्लिक कर लेना है। इतना कर लेने के बाद हमको इधर भी जो है राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद पिक्सल हमको डी सेलेक्ट कर लेना है, एफ एक्स पर आ जाना और यहाँ से 6 नंबर पर हमको बेवल का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट बेवल एंगल हमको यहाँ से ले लेना है 180 के अराउंड पे, राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको सेकंड बेवल एंगल हमको यहाँ से ले लेना है 45 के अराउंड पे, राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमको ऐसे क्रूस लगा लेना है। तो सिंपली हमको आ जाना अपने इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से क्रूस का ऑप्शन मिलेगा सबसे लास्ट में। सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस। अब प्रेस करने के बाद गाइस कुछ इस तरह से हम इसको जो है सेटअप कर लेना है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो में, ठीक है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद हमको यहाँ से राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। राइट पे क्लिक करने के बाद एफ एक्स पर आ जाना और यहाँ से आपको फोटो, ठीक है। उसके बाद सनी आफ्टर मून। अब इतना करने के बाद हमको यहाँ से इसको कर लेना है 30 के राउंड, ठीक है। तो यहाँ से 30 के राउंड राइट पे क्लिक कर लेना है, इधर भी हमको जो है राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद गाइस हमको यहाँ पर करने का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जो है मर्ज डाउन कर लेना है, ठीक है। मर्ज डाउन कर लेने के बाद गाइस अपना नीचे वाला लेयर भी इनेबल कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। नीचे वाला लेयर सेलेक्ट कर लेना है, एफ एक्स पर आ जाना और यहाँ से अपना बेसिक, ठीक है। और बेसिक सेलेक्ट करने के बाद बेवल, ठीक है। तो बेवल हमको यहाँ से जैसे हम फर्स्ट में लगाए थे, फर्स्ट बेवल एंगल हमको 180 के राउंड पे, ठीक है, राइट पे क्लिक कर लेना। और यहाँ से सेकंड बेवल एंगल हमको यहाँ से ले लेना है 45 के राउंड पे, ठीक है, राइट पे क्लिक कर लेना। उसके बाद हमको यहाँ पर आ जाना है एफ एक्स पर, सॉरी हमको यहाँ पर आ जाना है अपने इस वाले आइकन पर और यहाँ से हम इसको सबसे लास्ट में क्रूस फिर से लगा लेना है, ठीक है। तो क्रूस हमको इस तरह से लगाने लगा है, राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद गाइस हमको यहाँ पर करने का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको फिर से पिक्सल हमको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और पिक्सल सिलेक्ट करने के बाद गाइस हमको यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर प्लस वाले आइकन पर आ जाना है, ठीक है। सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस और यहाँ से इंपटी लेयर और यहाँ से कर लेना है डन, ठीक है। डन कर लेने के बाद गाइस हमको यहाँ पर करने का है, ठीक है। सिंपली हमको आ जाना अपने इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म कर लेना और यहाँ से इसको हमको पिक्सल हमको 20 के राउंड कर लेना है, राइट साइड क्लिक कर लेना है, राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद हमको आप जाना है अपने एंड वाले ऑप्शन पर, ठीक है। और एंड वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से फिल स्टॉक, ठीक है। फिल स्टॉक पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से इसको कर लेना है 8 के राउंड, ठीक है, राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। राइट पे क्लिक करने के बाद पिक्सल हमको डी सेलेक्ट कर लेना है, एफ एक्स पर आ जाना और यहाँ से हमको बेवल, ठीक है। फर्स्ट बेवल एंगल हमको यहाँ से ले लेना है 180 के राउंड पे, राइट पे क्लिक कर लेना है। और सेकंड बेवल एंगल हमको यहाँ से ले लेना है 45 के राउंड पे, राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद हमको आ जाना है अपने इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से क्रूस, ठीक है। तो सिंपली हमको यहाँ से क्रूस लगा लेना है, राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद शैडो हाइट लाइट इनेबल कर लेना है। तो सिंपली हमको आ जाना है अपने इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से शैडो हाइट लाइट, ठीक है, सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस और यहाँ से इसको हमको 30 के राउंड कर लेना है, राइट पे क्लिक कर लेना है। इधर भी हमको जो है राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस हमको यहाँ से इसको जो है कर लेना है मर्ज डाउन, ठीक है। इतना कर लेने के बाद गाइस हमको यहाँ पर करना है फर्स्ट लेयर सेलेक्ट कर लेना है और राइट साइड कॉर्नर प्लस वाले आइकन पर आ जाना है। अब यहाँ से हमको फोटो लेयर और यहाँ से हमको फोटो लाइब्रेरी, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस हमको यहाँ से PNG ऐड कर लेने वाले हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला PNG का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है जाकर इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है, ठीक है। और जूम कर लेने के बाद हमको यहाँ से राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और राइट पे क्लिक करने के बाद गाइस हमको यहाँ से व्हाइट सर्कल है उसको हमको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, टच कर लेना है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लेने के बाद हमको यहाँ पर आ जाना है अपने इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको फर्स्ट में कट का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, ठीक है। अब प्रेस करने के बाद गाइस हमको यहाँ पर करने का है, तो सिंपली हमको आ जाना अपने इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म का, तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस, ठीक है। अब प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से हम इसको जो है जूम कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से कुछ इस तरह सेलेक्ट करके नीचे ले आना, ठीक है। नीचे ले आने के बाद गाइस हमको यहाँ से इसको छोटा कर लेना है, ठीक है। छोटा कर लेने के बाद गाइस हमको कुछ इस तरह से और इसको जो है छोटा कर लेना है ताकि हमारा सही से सेटअप हो सके। उसके बाद थोड़ा और छोटा कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से कुछ इस तरह से हम इसको जो है सेटअप कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से हमको राइट पे क्लिक कर लेना है, जस्ट कॉपी और यहाँ से जस्ट पेस्ट कर लेना है, ठीक है। और पेस्ट कर लेने के बाद कुछ इस तरह से इसको जो है सेटअप कर लेना है, राइट पे क्लिक कर लेना है, सेम प्रेस से हमको फिर से कॉपी और यहाँ से फिर से हमको पेस्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम इसको जो है सेटअप करते जाना। आप जो वीडियो पर तक बने रहेगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा कॉपी और पेस्ट, तो मैं अपने हर वीडियो में आपको जब बताता रहता हूँ कि किस तरह से हमको कॉपी और पेस्ट करना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा, जैसा जैसा आपका भाई कर रहा है बस वैसे वैसे आपको भी जो है स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो कर लेना है, फिर आपको किसी भी तरह का जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इतना करने के बाद राइट पे क्लिक कर रहे हैं, सेम प्रोसेस हमको कॉपी और यहाँ से पेस्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से हमको कुछ इस तरह से इसको जो है सेटअप कर लेना है।
राइट पे क्लिक कर लेना है जस्ट कॉपी और यहाँ से जस्ट पेस्ट कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ से राइट पे क्लिक कर लेना। अब इतने करने के बाद गाइस हमको यहाँ पर करने का, ठीक है, अपना सबसे नीचे वाला फर्स्ट वाला लेयर हमको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अपना सेकंड लेयर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो सेकंड पीएनजी हम कॉपी करके पेस्ट किए थे, ठीक है। अब आ जाना इफेक्ट्स पर और यहाँ से हम इसको टिंट, ठीक है, तो टिंट हमको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से इसको कोई सा भी एक कलर, तो यहाँ से येलो कलर सिलेक्ट कर लेना है। राइट पर क्लिक कर लेना है, इसके ऊपर वाला लेयर हमको सिलेक्ट कर लेना है, इफेक्ट्स पर आ जाना और यहाँ से टिंट, ठीक है। अब यहाँ से हमको टिंट दे देना है ग्रीन कलर, राइट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला लेयर सिलेक्ट कर लेना, इफेक्ट्स पर आ जाना और यहाँ से हमको टिंट, ठीक है। तो यहाँ से टिंट हमको यहाँ से स्काई कलर, राइट पर क्लिक कर लेना, ठीक है। और राइट पर क्लिक करने के बाद उसका ऊपर वाला लेयर इफेक्ट्स और यहाँ से टिंट, ठीक है। तो यहाँ से इसको हमको दे देना है कोई सा भी एक कलर, तो यहाँ से इसको पिंक कलर, राइट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इतना कलर के बाद ऊपर वाला लेयर इफेक्ट्स और यहाँ से टिंट, ठीक है। तो कलर हमको कुछ इस तरह से दे देना है येलो कलर, राइट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको ऊपर वाला लेयर सेलेक्ट कर लेना है एफएक्स और यहाँ से टिंट, ठीक है। तो यहाँ से इसको हमको ग्रीन कलर, राइट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस हमको यहाँ से सभी को जो है मर्ज कर लेना है, तो सिंपली हमको फर्स्ट लेयर सेलेक्ट कर लेना। फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करने के बाद गाइस हमको यहाँ से इस आइकन पर आ जाना है, ठीक है। और इस आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से देख सकते हैं सेकंड नंबर पर हमको मर्ज का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली हमको यहाँ से कर लेना प्रेस और यहाँ से हमको मर्ज डाउन कुछ इस तरह से, जितना भी हमको पीएनजी ऐड किए थे उसको हमको यहाँ से ऐड कर लेना कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से कर लेना है डन। और डन कर लेने के बाद गाइस अपन राइट साइड कॉर्नर प्लस आइकन पर आ जाना और यहाँ से फोटो लेयर और यहाँ से हमको फोटो लाइब्रेरी, ठीक है। अब यहाँ से हमको जो है सेकंड पीएनजी ऐड कर लेने वाला है ये वाला, ठीक है। इस पीएनजी का भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है जाकर इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ इस तरह से इसको जो हमको थोड़ा छोटा कर लेना और यहाँ से हमको कुछ इस तरह से इसको जो है सेटअप कर लेना, ठीक है। सेटअप करने के बाद गाइस हमको यहाँ से इसको जो है राइट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। राइट पे क्लिक करने के बाद जस्ट कॉपी और यहाँ से हमको जस्ट पेस्ट कर लेना है, ठीक है। और कुछ इस तरह से हम इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एक पिक्सल हमको छोड़कर दूसरे पिक्सल में हमको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इतने करने के बाद जस्ट कॉपी और यहाँ से जस्ट पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको आ जाना है अपने इस वाले लेयर पर, ठीक है। सिंपली हमको यहाँ से राइट पर क्लिक कर लेना, ठीक है। राइट पर क्लिक करने के बाद जस्ट कॉपी और यहाँ से जस्ट पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको फिर से एक एंगल छोड़कर हमको राइट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस ये हमारा हो चुका, ठीक है, ये हमारा ऐड हो चुका। उसके बाद जस्ट इसको हमको यहाँ से कर लेना है मर्ज डाउन, ठीक है। मर्ज डाउन कर लेना है, डन कर लेना है, जस्ट इसका कॉपी और यहाँ से जस्ट पेस्ट कर लेना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट हमको कुछ इस तरह से कर लेना है ताकि हमारा ये सही से सेटअप हो सके, ठीक है। तो यहाँ से इसको हमको कुछ इस तरह से कर लेना है सेटअप, राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। राइट पे क्लिक करने के बाद गाइस हमको यहाँ से टिंट इसको दे देना है और यहाँ से कलर इसको हमको येलो कर लेना है, राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस हमको यहाँ से करना क्या है, ठीक है। तो राइट साइड करना और प्लस आइकन पर आ जाना फोटो लेयर और यहाँ से हमको फोटो लाइब्रेरी, ठीक है। अब हमको यहाँ से फोर्थ पीएनजी ले लेने वाले हैं ये वाला, ठीक है। तो इस पीएनजी का भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, जितना भी मैं पीएनजी यूज कर लेने वाला हूँ उन सभी का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है जाकर इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जस्ट राइट पर क्लिक कर लेना और जस्ट कॉपी और जस्ट पेस्ट, ठीक है। कॉपी पेस्ट हमको कुछ इस तरह से कर लेना और यहाँ से हमको सेटअप कर लेना है, राइट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। राइट पर क्लिक करने के बाद जस्ट कॉपी और यहाँ से जस्ट पेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमको इधर जो है सिलेक्ट कर लेना है, राइट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपना थर्ड वाला नीचे वाला लेयर सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से कॉपी और यहाँ से जस्ट पेस्ट, ठीक है। और यहाँ से हम इसको जो है ले लेना है कुछ इस साइड हमको कर लेना है, ठीक है। राइट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। राइट पर क्लिक करने के बाद गाइस हमको यहाँ पर करने का, ठीक है। तो यहाँ से इसको हमको मर्ज डाउन कर लेना है, ठीक है। जितना भी हमको लिए थे यहाँ से इसको बेक आ जाना थोड़ा इस साइड आकर, हमको यहाँ से इसको जो है मर्ज डाउन कर लेना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद डन कर लेना, डन कर लेने के बाद हमको यहाँ से एक पीएनजी और ऐड कर लेने वाला है, ठीक है। तो राइट साइड कॉर्नर प्लस आइकन पर आ जाना और यहाँ से हमको फोटो लेयर और यहाँ से फोटो लाइब्रेरी, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस हमको यहाँ पर एक पीएनजी और ले लेने वाले हैं, ठीक है। उस पीएनजी का भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है जाकर इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस पीएनजी को पहले ढूंढ लेते हैं, इसके बाद हमको यहाँ से ऐड कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको थोड़ा बैक और नीचे आ जाना है, ठीक है। तो इस पीएनजी का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है जाकर इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इतने करने के बाद गाइस हमको थोड़ा कुछ इस तरह से इसको जो है छोटा कर लेना है, ठीक है। और छोटा कर लेने के बाद हमको कुछ इस तरह से इसको जो है ऐड कर लेना है, ठीक है। राइट पे क्लिक कर लेना, जस्ट कॉपी और यहाँ से जस्ट पेस्ट करते जाना, ठीक है गाइस। तो कॉपी और पेस्ट अपने हर वीडियो में आपको जो है इन्फॉर्म करता रहता हूँ कि किस तरह से इसको जो है कॉपी और पेस्ट करना है, तो सेम प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो कर लेना है, कोई भी स्टेप जो है मिस ना करेगा, ठीक है। वीडियो को जो है इन तक वॉच करिएगा, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा गाइस, चैनल पर नए होंगे तो चैनल का बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बगल में जो है बेल आइकन घंटी जो है उसको भी जो है ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए गाइस, ताकि हमारे अगले आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से हमको कुछ इस तरह से फिर इसको जो है सेटअप कर लेना है, राइट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है।
उसके बाद हमारा एक और बचा है, इसको भी हमको यहाँ से कुछ इस तरह सेलेक्ट कर लेना है, राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। राइट पे क्लिक करने के बाद गाइस हमको यहाँ से इसको कर लेना है मर्ज डाउन, ठीक है। सिंपली हमको यहाँ जाना है और यहाँ से इसको हमको कुछ इस तरह से हमको सभी को जो है मर्ज डाउन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से इतना ऐसे मर्ज डाउन कर लेना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस हमको यहाँ पर करने का है, सबसे नीचे लेयर हमको सिलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से नीचे ले आना है, ठीक है। और यहाँ से इसको हमको पिक्सल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और पिक्सल सिलेक्ट करने के बाद गाइस हमको यहाँ एंड वाला ऑप्शन और यहाँ से क्रॉप, ठीक है। क्रॉप हमको कुछ इस तरह से इसको जो है कर लेना है, ठीक है। राइट पे क्लिक कर लेना है, बैक आ जाना है, ठीक है। और बैक आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है, ठीक है। और सिलेक्ट पिक्सल करने के बाद हमको यहाँ से एंड, ठीक है, और यहाँ से कॉपी। अब यहाँ से हमको कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से कर लेना और यहाँ से इसको हमको तो यहाँ से कट, ठीक है। तो यहाँ से इसको कुछ इस तरह से हम इसको कर लेना है, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद गाइस हमको यहाँ से सभी को जो है मर्ज कर लेना है। तो सिंपली हमको आ जाना अपने इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से इसको कर लेना है मर्ज डाउन, ठीक है। तो सभी को हमको एक एक करके जो है मर्ज डाउन करते जाना है। तो यहाँ से हम इसको सभी को जो है एक लेयर बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आप जो है वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। कोई भी स्टेप जो है मिस ना करिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम इसको जो है सभी को जो है मर्ज डाउन कर लेना है, ठीक है। मर्ज डाउन कर लेने के बाद हमको यहाँ से कर लेना है डन। और डन कर लेने के बाद गाइस हमको आ जाना है अपने पिक्सल हमको सेलेक्ट कर लेना है इसका, ठीक है। और पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद गाइस हमको यहाँ पर अपने राइट साइड कॉर्नर प्लस वाले आइकन पर आ जाना है, ठीक है। और प्लस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से इंपट लेयर और यहाँ से कर लेना है डन, ठीक है। और डन कर लेने के बाद गाइस हमको अपने आ जाना है इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली हमको यहाँ से कर लेना है प्रेस और एक्सपेंड पर आ जाना और यहाँ से इसको पिक्सल हमको 10 टिक राउंड कर लेना है, राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और राइट पे क्लिक करने के बाद गाइस हमको यहाँ पर आ जाना है अपने इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से फिल स्टॉक, ठीक है। और फिल स्टॉक पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से पिक्सल हमको 15 के राउंड कर लेना है, राइट पे क्लिक कर लेना है। और इधर भी हमको जो है राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद हमको यहाँ से इस वाले आइकन पर आ जाना और यहाँ से कर लेना है कट, ठीक है। और कट कर लेने के बाद गाइस हमको एफएक्स पर आ जाना और यहाँ से हमको बेवल, ठीक है। तो फर्स्ट बेवल एंगल हमको यहाँ से 180 के राउंड पे राइट पे क्लिक कर लेना है और सेकंड बेवल एंगल हमको यहाँ से ले लेना है 45 के राउंड पे, ठीक है, राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस हमको आ जाना अपने इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद सबसे लास्ट में हमको क्रूश का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली हमको यहाँ से कर लेना प्रेस और राइट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। और राइट पे क्लिक करने के बाद गाइस हमको सेम प्रेस अपने आ जाना है इस वाले आइकन पर, ठीक है। और इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद गाइस हमको यहाँ से शैडो हाइट लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली हमको यहाँ से कर लेना प्रेस और यहाँ से इसको हमको कर लेना है पूरा 100 के राउंड इंक्रीज, राइट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। और राइट पे क्लिक करने के बाद गाइस हमको यहाँ से इसको कर लेना है मर्ज डाउन, ठीक है। और मर्ज डाउन कर लेने के बाद गाइस ये हमारा बनकर हो चुका है रेडी। तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो इससे पहले आपको जो है गैलरी में सेव कर लेने के लिए ऑप्शन हमको यहाँ से बता देते हैं। तो यहाँ से कर लेना हमको डन, ठीक है। और डन कर लेने के बाद गाइस हमको यहाँ से कर लेना है सेव, ठीक है। सेव कर लेने के बाद गाइस हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जैसे कि देख सकते हो। तो यहाँ पर नीचे में हमको दो ऑप्शन मिलेगा, सेकंड वाले ऑप्शन पे कर लेना प्रेस और यहाँ से सेव टू गैलरी। उसके बाद हमको पीएनजी सेलेक्ट कर लेना है ये पिक, ठीक है। उसके बाद हमको जीपीजी, ठीक है, जीपीजी सेलेक्ट करने के बाद पीएनजी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमको यहाँ से इसको कर लेना है ओके, ठीक है। तो ये हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा गाइस। तो जैसे कि देख ही सकते हो ये हमारी गैलरी में ऑलमोस्ट सेव हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक पैना सा कमेंट जरूर करिएगा गाइस। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।